नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेहा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल यूट्यूब स्नेहा की दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज यहाँ पे आई हूँ थोड़ा घूमने, और मैं खो गई हूँ और मुझे अपना रास्ता याद नहीं आ रहा। मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के दीजिए, अपने जॉब पे चले गए हैं और मैं सोच रही हूँ कैसे जाऊँ। तो देखते हैं दोस्तों मैं कब तक अपने घर पहुँचती हूँ। तब तक मैंने एक नर्सरी देखी जो रोड पर ही थी, यहाँ पर शायद फूल बिक रहे हैं। तो देखते हैं किसका कितना रेट है, आइए देखते हैं और जानते हैं। और कुछ फूल मुझे अच्छे भी लग रहे हैं, तो चलिए देखते हैं मैं लेती हूँ कि नहीं, आपको भी दिखाती हूँ। आइए ये देखिए दोस्तों, ये सारे लोग नर्सरी लगाए हैं पौधों की, छोटे छोटे। यहाँ से ठेले वाले वगैरह सारे पेड़ पौधे ले जाते हैं, बहुत सारे पेड़ हैं। सफ़ेद भी है, ये सनफ्लावर भी है और बहुत सारे पौधे हैं। चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए मेरी गोल्ड है, मैरी गोल्ड नहीं, ये सनफ्लावर है शायद वॉयलेट कलर का, ये भी पता नहीं क्या है, अभी खिलेगा। डालिया है शायद, डालिया जो होता है इंग्लिश में तो इसे डालिया बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये भी शायद डालिया ही है, मुझे पता नहीं है। ये सारे फूल सजावट के लिए हैं, महकते नहीं हैं, इनमें महक नहीं होती है, लेकिन यही यहाँ सब चलता है क्योंकि ये ज़्यादा जगह नहीं लेते हैं और देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, इसीलिए सारे लोग इसे अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं। ये रहा हमारा प्यारा मैरी गोल्ड जो हमारे घरों में भी होता है और हमारे गांव में बहुत ज़्यादा लगता है। ये देखिए दोस्तों, तो आपको ले चलती हूँ अभी वाइट गुलाब के पास। पता नहीं गुलाब है कि क्या है, लग तो वही रहा है लेकिन पौधा तो नहीं लग रहा है गुलाब का, पता नहीं दोस्तों। ये देखिए बहुत सारे पौधे हैं, तुलसी के हैं, शायद मुरझा गए हैं पता नहीं क्यों। ये कुछ गुलाब का है, आइए इसका रेट जानते हैं कितना है और मैं भी ले लेती हूँ। कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा है मुझे, वाइट गुलाब ये रहा, रेड गुलाब ये रहा, अच्छा नहीं लग रहा मुझे तो मैं नहीं लूँगी क्योंकि ये पौधे ठीक नहीं लग रहे हैं, जो कि अभी इससे अच्छे होने चाहिए। अंदर में इनके बहुत बड़ी वो लग रही है लेकिन ये लोग जाने नहीं देंगे, बड़ी नर्सरी लग रही है मुझे। और इधर भी देखिए दोस्तों इसका पेड़, ये लोग शायद कद्दू का बीज भी बो के बेचते हैं। ये रहा बहुत सारे नींबू का पेड़, देखिए अंदर में इनके बहुत बड़ी गैलरी है, वहाँ से दिख रहा है मुझे। आप पौधे लगाते हो? बेचते हैं, लगाते भी हैं। बेचते हो? और कोई लगवाता है तो लगा देते हैं। अच्छा कहाँ पे? जैसे यहाँ पे बोला पौधा खरीद लिया, अच्छा फिर बोला कि ये लगाना भी है, अच्छा तो हमको उसको गमले में भी लगाना पड़ता है। तो लगा के आप लोग देते हो? हाँ लगा के देते हैं, लगवाते हैं जो लगाते हैं, नहीं तो फिर ऐसे थैली में पन्नी में पैक करते हैं। अच्छा ये सारा नींबू का पेड़ है ना? नींबू नहीं, चाइना ऑरेंज है। चाइना ऑरेंज? हाँ। अच्छा बड़ा बड़ा हो जाता है, छोटे पीला पीला होता, छोटे पेड़ में ही बड़ा हो जाता है, आता है पीला पीला। अंदर आपका घर है? है, है। अच्छा उसी में आप लोग ये लौकियों की क्या करते हो, इसका बीज बेचते हो कि सारा ये भी? बीज बेचते हैं, जिसको जरूरत होता है ले जाता है। अच्छा और ये क्या है पैकेट में? अच्छा इसमें डालने की खाद है। और ये क्या है, ये किसका पौधा है? ये मनी प्लांट का, मनी प्लांट है, मनीष्टेरा है, मनी प्लांट की जैसे होता ही है। अच्छा ये काटा पत्ता वाला आता है, ये वैसे होता है। और ये सब क्या है? ये सारे पिटोनिया, ये सब पिटोनिया है। ये खूबसूरत मतलब देखने में अच्छे लगते हैं और महकता नहीं है ना शायद? नहीं नहीं महकता नहीं, शो के लिए। ये भी देखिए दोस्तों कितना अच्छा लगा रखा है आंटी ने, बहुत अच्छा लग रहा है देखिए आप लोग। तो आपको आंटी का मनी प्लांट कैसा लगा, सारे पौधे कैसे लगे बताइए जरूर कमेंट करके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए नया की दुनिया में। के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिएगा। यहाँ आम के पेड़ भी बहुत सारे मिलते हैं बता रही हैं बहन जी, तो
ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको आना है यहाँ लेने है तो चर्च रोड यहाँ पे जो एड्रेस लिखा है, अगर दिल्ली में आप रहते हैं तो चर्च रोड पे आ जाइए और यहाँ पे बहुत सारे सारे अच्छे अच्छे पौधे ये देती हैं। मैं तो अभी कुछ नहीं लूँगी लेकिन फिर कभी ज़रूर आऊँगी लेने, अच्छा भी लग रहा है मुझे।